बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। समीना के दस्तरखान में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ समीना। दोस्तों, आज हम सैरी स्पेशल बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं मलाई वाले पराठे। तो ये आटा, ये आम सफ़ेद आटा है। ये मैंने ये वाली दो कटोरी भर के ली। ये हम तकरीबन आधी चम्मच से थोड़ा ज़्यादा नमक इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसको मैं मिक्स कर लूँगी पहले। उसके बाद ये देखिए, ये हमारी आम रूटीन की है, जो दूध आता है हमारे घर, ये उससे उतरी हुई मलाई है। ये हम इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम इसको आटे में मिक्स कर लेंगे। ये तकरीबन 5 पराठे का आटा बन जाएगा। बच्ची हुई है, हम इसको भी ऐड कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको स्मूथ आटा गूंथ देंगे। आम ऐसे ही हम गूंथेंगे जैसे हम आम सादा पराठे के लिए आटा गूंथते हैं। गूंथ के हम इसको तकरीबन आधा घंटा रेस्ट पे रख देंगे। उसके बाद हम इसके पराठे बनाएंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें आप नमक की जगह 2 या 3 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल के अगर बनाएं, वो बहुत ही मज़े के बनते हैं। उसमें बहुत लाइट सा मीठा होता है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। और उनको आप छोटे छोटे पराठे पका के दें, बच्चों को बहुत खुश होते हैं बच्चे इस तरह के, और वो बहुत शौक से खाते हैं। देखें, ये हमारा बहुत ज़बरदस्त स्मूथ सा आटा गूंथ गया है। हम इसको लोहे में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसको हम ये ढक के आधे घंटे के लिए रेस्ट देते हैं। उसके बाद हम इंशाल्लाह पराठे पकाते हैं। ये हमारा आटा सेट हो गया, सैरी का टाइम हो गया है। अभी जगाने वाले आए थे, हम तो खैर पहले ही जाग रहे थे। हम पेड़े बना के रखते हैं, मैं पेड़े बना के रखती जाती हूँ। हम 3-4 ही तो जब सारे पेड़े बना लेती हूँ तो फिर सबसे पहला जब फिर उसको बेल के तो पका लेते हैं। फिर इससे तब उसी तरतीब से फिर पकाते रहते हैं। अब हम इसमें ये घी भी ज़्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी मलाई डाली हुई है। इसके ऊपर हम सूखा आटा थोड़ा सा हम डस्ट कर लेंगे। इसमें
देखें जी, एक हमारा पेड़ा जो है ये देखें रेडी हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे पेड़े सेट हो गए हैं। पतला कर लेंगे थोड़ा, पतला ईजी भी बहुत हैं और बहुत मज़े के भी हैं। ये नहायत ही खस्ता होते हैं, बहुत खस्ता बनते हैं। मैं कई दफ़ा बनाती हूँ, ईद पे भी बनाए थे। आप भी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे बने हैं आपके, कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मेरी सबसे जो मेरी आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। हम इसके ऊपर थोड़ा सा ये घी लगा देंगे। कपड़े से थोड़ा थोड़ा इसको ऐसे चिक दें तो ज्यादा अच्छा इस दूसरी तरफ फूल बन जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है दूसरी तरफ से। और ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह, देखिए फूल भी गया। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पराठा बन गया ये मेरे बेटे के लिए। हम इसके दूसरी तरफ ये नहीं लगा रहे क्योंकि इसमें ऑलरेडी मलाई भी है, तो उससे फिर हैवी हो जाता है ये। ये देखिए माशाल्लाह, ये दीदी हमारा पराठा रेडी है और ये साथ मैंने कोफ्ते बनाए थे, कोफ्ते के साथ खाएंगे। ये देखिए मैं आपको ये इसका एक निवाड़ा तोड़ कर देखिए, बिस्मिल्लाह, ये देखिए इस तरह कभी भी पराठा पराठे का जो है निवाला नहीं टूटता। ये सब परतें अलग अलग हो जाती हैं। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए अंदर से परतें नज़र आ रही हैं इसकी। ये देखिए, तो आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करें और बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए और मुझे भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।